पिछले 2 से 3 दिनों से पूरे जिले में तेज हवा तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे कई किसानों के बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं, जिसमें किसानों की तरह तरह की फसलें बुरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, तो पालतू पशुओं के रहने के तबेले गिर गए हैं, छतें उजड़ गई हैं, बड़े पैमाने पर आम संतरा अंगूर पपाया अनार चीकू जैसे फलों की पूरी बाग उजड़ी पड़ी है। तो कई किसानों के खेत से सौर पंप का तेज हवा से नुकसान हुआ, बड़े बड़े पेड़ बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं, पहले ही किसानों को अपनी फसल का बीमा मिला नहीं है, ऐसे में कुदरत का ये कहर। इस समय स्वाभिमानी किसान संगठन के नितिन अग्रवाल, इन्होंने खुद किसानों के खेतों में जाकर देखा, उनसे बातचीत की और उन्हें हौसला दिया कि ऐसे मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं, आप ना घबराएं। अब ऐसे में किसानों और स्वाभिमानी किसान संगठन की ओर से किसानों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र बुलढाणा से रविन्द्र सुरुशे की रिपोर्ट। पिछले 2-3 दिनों से 18, 19 और 20 ऐसे 2-3 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के साथ में हमारे बुलढाणा जिले में काफी तेज बारिश हुई है और तेज बड़े पैमाने पर हवाएं आई है और उसी के साथ में ढेर सारे ओले गिरे हैं, जिस वजह से कई किसानों के उनके खेत में की जो फसलें थी फसलों का नुकसान हुआ है। कई किसानों के खेत में उनकी अलग अलग तरह की फलों की बागें थी, जैसे कि आम संतरा पपई चीकू, तो इन सब बागों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों के पालतू पशुओं का नुकसान हुआ है, उनके रहते हुए पशुओं के तबेलों का नुकसान हुआ है। तो सारे किसानों की ओर से और स्वाभिमानी किसान संगठन की ओर से यही मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देना चाहिए और उनको इस बुरे समय में एक सहायता का जो हाथ होता है वह हाथ देना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल पहले जब फडणवीस सरकार ने ओले के समय में ओले गिरे थे किसानों के खेतों में, तो फटाक से 1 महीने के अंदर उन्हें उनके सब मुआवजा दिया था, उनके खातों पर मुआवजा दिया था। तो इस बार भी किसानों की ओर से और स्वाभिमानी किसान संगठन की ओर से महाराष्ट्र शासन से गुजारिश की जाती है कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।